आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, बोल सकते हैं जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। पूरे 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको प्लीज़ जनरल तरीके से लीजिएगा, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड, ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये आपको एक प्यार भरी, इमोशन भरी वक्त प्यार ऑफर करना चाहते हैं। ये आपके तरफ आ रहा है, आने के बारे में सोच रहा है कि आपको एक स्टेबल प्यार का ऑफर दिया जाए। अगर पहले आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी तो ये बंदा अभी ये सोच रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको ये लग रहा है कि आपको दोबारा से प्यार के ऑफर दिया जाए, क्योंकि वैलेंटाइंस भी आ रहे हैं साथ ही साथ इन दिनों। अभी हम देखेंगे नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल ऑफर के साथ बंदा आपके तरफ आ रहा है, आना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, यस, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में अनबन चल रहा था तो बंदा एक स्टेबल ऑफर के साथ स्लोली बट श्योरली ये बंदा आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। बहुत अच्छी बात, पूरे क्लैरिटी के साथ, बहुत ही उम्दा सोच, बहुत ही अच्छी बात। ये बंदा प्यार के ऑफर के साथ, स्टेबिलिटी के ऑफर के साथ आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इनको रिश्ते के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल चुका है। जो ये जानना चाहते थे, जिस बात से ये आपसे नाराज़ थे, जिस वजह से आप लोगों में नाराज़गी हुई थी, ये पूरी चीज़ें ये अभी समझने लगे हैं, और इनको लग रहा है कि आपको एक स्टेबल प्यार का ऑफर दिया जा सकता है, जिसकी वजह से बंदा या बंदी आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड, दिस इज़ रिकॉन्सिलेशन, ये बंदा या बंदी स्टेबल ऑफर के साथ रिकॉन्सिलेशन आपको ऑफर करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी करंट फीलिंग्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कॉमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है, और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं इन दिनों। एस ऑफ वांड्स, आप भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, आपको भी लग रहा है कि बहुत हुआ, बहुत हुई लड़ाई झगड़ा परेशानी, एक दूसरे को दोष देना ये वो, अभी हमें एक्शन ले लेना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो बहुत परेशानी के बाद, बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे एस ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ वांड्स, आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, एक्चुअल में आप रिश्ते से किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करना चाहते हो, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। आप रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हो, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो। हो सकता है पहले आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, तो अभी आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, किसी कोई बात जो है पहले छुपा हुआ था,
जिसे आप छुपाना चाहते थे वो बात अभी आप रिवील करना चाहते हो, या फिर जो बात आपसे छुपा हुआ था वही बात आपके सामने आ गया है, जिसकी वजह से आपने एक्शन लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एम्परर के कार्ड के साथ आप अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करना चाहते हो, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन को भी, साथ ही साथ आप रिश्ते के बारे में भी मेहनत करना चाहते हो, अपने स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हो, कुछ छुपाना नहीं चाहते हो, जो भी है जो कुछ है सामने लाके आप बातों को क्लियर करना चाहते हो, और रिश्ते में भी एक्शन, अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी के लिए भी जो मेहनत करना है आप वो भी कर रहे हो, और आप हर तरीके से एक्शन के बारे में सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई हो सकता है, एरीज हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। बंदा हो सकता है कोई अच्छे पोस्ट पर हो सकता है इनको पैसे कमाने में, क्या बोलते हैं उसको, शोहरत कमाने में, इनको कामयाबी कमाने में बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को लगता है ये इसमें माहिर होंगे, तो ये अभी उस चीज़ को भी पाना चाहते हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन। देख लेते हैं नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार बंदा कर रहा था। साथ ही साथ आपकी तरफ से अगर उनके तरफ कोई गुड न्यूज़ चला जाए, कोई क्लू मिल जाए उनको कि आप भी उन्हीं की तरह सोच रहे हो, तो बंदा उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते भी हैं कि आप इस तरीके का कोई कुछ कहो, क्योंकि इनका तो दिल टूटा हुआ है पहले से, तो ये टूटे दिल को जोड़ना चाहते हैं आपकी तरफ से। जो कोई क्लू उनको मिल जाए तो ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे रिश्ते के बारे में सोचना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, लेकिन जब तक आपकी तरफ से उनके तरफ कोई भी क्लू ना जाए तब तक बंदा श्योर नहीं हो रहा है कि उनको एक्चुअल में करना क्या है, ना ही वो कुछ करेंगे। वो तब तक अपना इमोशन को हाइड करके रखेंगे जब तक आपकी तरफ से उनको कोई क्लू ना मिले, क्योंकि पहले से ही बंदा दुखी है, परेशान है, दिल टूटा हुआ है, और ये रिकॉन्सिलेशन फिर भी चाहते हैं आपके साथ स्टेबल ऑफर के साथ। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, लेकिन जब तक आपके तरफ से कोई भी क्लू उनको नहीं मिलेगा कि आप भी उन्हीं की तरह से सोचते हो रिश्ते के बारे में, तब तक बंदा कुछ नहीं करेगा। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपके तरफ से फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। आप थोड़ा ईगोइस्टिक हो क्या, ईगो की वजह से आपने डिसीजन लेने में देर कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप खुद को रोक के रखा है, क्योंकि आपका ईगो बहुत है। आपने पहले बहुत हर्ट हुए होंगे, पहले आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया होगा, या फिर आपने किया होगा, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे बाप, आप तो हेवी गुस्से में हो, बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो। अगर मैं कहूँ नेगेटिविटी आपकी पूरे दिमाग में चल रहा है, पूरे आप किसी को अभी माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। अगर मैं कहूँ कि आप किसी को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, ना आप माफ़ करोगे, एक आपका ईगो, दूसरा आपको जो परेशानी मिला था इस रिश्ते से आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, ना पाओगे इन दिनों। इसीलिए आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी पर आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, साथ ही साथ अपना इमोशन को भी आप कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि आपने भी परेशानी देखी होगी, आपने भी बहुत कुछ झेला होगा, आपने भी रिश्ते में परेशानी देखी होगी। आप एक्शन तो लेना चाहते हो, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी के लिए,
अपने लाइफ में मेहनत करना चाहते हो, रिश्ते में नहीं। मुझे लग रहा था कि आप रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, लेकिन नहीं, आप रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहते हो। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते हो, आप अच्छी तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी को एंजॉय करना चाहते हो। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ें अपनी ज़िंदगी से अलग करना चाहते हो, जो आपके काम के ना हो। आप उस चीज़ से, उस बंदे से, उस रिश्ते से खुद को अलग करने के बारे में सोच रहे हो, सोचोगे, चाहते हो करना, साथ ही साथ अपनी इमोशन को भी आप हाइड करके रखोगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है इन दिनों, 10 से लेकर 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। स्कॉर्पियो, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस सॉरी कोई वर एरीज हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, अरे यार, किंग क्वीन किंग सोर्ड 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 सोर्ड, सारे नेगेटिव एनर्जी भरा हुआ है हर कोई, दोनों के दोनों ही। आपके बंदे अगर रिकॉन्सिलेशन चाहते भी है, लेकिन ये खुद को रोक के रखेंगे, ये अपनी तेवर दिखाएंगे, और आप तो अभी रिकॉन्सिलेशन के मूड में हो ही नहीं, आप अपनी खुद की एनर्जी को हाई करने में बिजी हो, जिसकी वजह से किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड दो दो बार आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स टू टाइम। ये हेव भी बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी भरा हुआ है आप लोगों में, बहुत गुस्से में हो आप लोग। किंग ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, टावर, कुछ अचानक से कुछ हो सकता है इस रिश्ते में जो होना जरूरी है। मुझे लगता है इस रिश्ते का बुनियाद प्यार से ज़्यादा फिजिकल नीड्स है, फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है। ये प्यार कितना है दिखाई नहीं दे रहा है उतना ज़्यादा, ईगो बहुत ज़्यादा है, दोनों का ही ईगो है, दोनों ही अपने 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 पोजीशन को लेके बहुत कॉन्शस है, दोनों को ही अपने रुतबे पसंद है, लेकिन किसी वजह से जुड़ा हुआ है रिश्ता, वो वजह है फिजिकल अट्रैक्शन। इस रिश्ते में कमिटमेंट की कमी है, इस रिश्ते में कोई एक बंदा है जो इन एंड आउट होता रहता है, जब मन चाहे चले आए, जब मन चाहे चले गए, लेकिन इतने परेशानी, इतने दर्द, इतने गुस्से, इतने ईगो के बाद भी मुझे लग रहा है आप लोग अचानक से एक दूसरे से मिल सकते हो। और अगर मैं जो देख रहा हूँ, जो देख रही हूँ, अगर मैं वो बताऊँगी, आप भी आश्चर्य हो जाओगे। आप फिजिकली भी एक दूसरे के साथ रिलेशन कर सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस रिश्ते की बुनियाद है फिजिकल नीड्स, प्यार इतना नहीं है, और इन एंड आउट वाला रिश्ता है, जब मन का करे चले आए, जब मन करे चले गए, जरूरत का रिश्ता है ये। इतनी परेशानी के बाद, इतने ईगो, इतने क्लैश, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फिर भी आप लोग, मुझे लगता है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फिजिकल नीड्स की वजह से फिजिकली आप लोग एक साथ आओगे। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्टेबिलिटी नहीं है रिश्ते में, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आएगा कि आप दोबारा से फिजिकल होगे एक दूसरे के साथ।
देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल के कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए थे, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आए थे। ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है अगर आप लोग अपनी सोच को बदलो और रिश्ते को जीरो से शुरू करो तो ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है। आप लोग अगर समझदारी का इस्तेमाल करो, प्यार की भावनाओं को इस रिश्ते में लाओ, इस रिश्ते में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो स्लोली बट श्योरली आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल सकता है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा दोनों को ही, खास करके स्कॉर्पियो आप जो हो, मुझे लगता है आपको रिस्क लेना पड़ेगा तब जाके इस ये रिश्ता स्टेबल बन सकता है। ये रिश्ता एक इमोशनल रिश्ता बन सकता है, लेकिन आपको इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।